गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को कविता पकौड़ी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। तो यहाँ है, क्या भाता है क्या नहीं भाता, यानी आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। नीचे है चीज़ें, यानी यहाँ पे कुछ चीज़ों का नाम दिया गया है जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी चीज़ें बहुत ही पसंद है जिसे आप मज़े से खाएंगे, कौन ऐसा चीज़ है जो बहुत पसंद नहीं है फिर भी हम खा लेंगे यानी खाना पड़ेगा, और कौन ऐसा चीज़ है जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसे हम बिल्कुल ही नहीं खा सकते। तो इसमें यही कह रहा है कि जो चीज़ें आपको पसंद है उस जो आप मज़े से खाएंगे तो उसमें चिन्ह लगाना है, जो आपको पसंद नहीं है और हल्का फुल्का आप खा लेंगे उसे खाना पड़ेगा, उसमें चिन्ह लगाना है, जो बिल्कुल ही नहीं खा सकते उसे आप इसमें चिन्ह निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं चीज़ें में दिया है सबसे पहले जलेबी। तो जलेबी तो हम सभी को अच्छा लगता है, इसे तो हम मज़े से खाएंगे, इसलिए हमने यहाँ निशान लगाया मज़े से खाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद है पकौड़ी। तो पकौड़ी भी हम सभी को अच्छा लगता है, इसे भी हम बहुत पसंद से खाएंगे यानी मज़े से खाएंगे, तो हमने इसमें चिन्ह लगाया। इसके बाद है बैगन। तो बैगन हम सभी को पसंद होता भी है, नहीं भी होता है किसी किसी को, तो अगर हमें पसंद है तो फिर आप मज़े से खाएंगे, इसमें चिन्ह लगाएंगे, अगर पसंद नहीं है और हल्का खा लेंगे तो फिर हम बीच में लगाएंगे, अगर बिल्कुल ही नहीं खा सकते तो फिर हम इसमें बिल्कुल नहीं खाएंगे, इसमें निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ निशान लगाया है कि खाना पड़ेगा यानी बहुत पसंद नहीं है फिर भी थोड़ा खा लेंगे। इसके बाद है चुस्की। तो चुस्की हम बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे तो हम मज़े से खाएंगे, तो हमने यहाँ निशान लगाया है कि इसे मज़े से खाएंगे। इसके बाद दिया है करेला। तो करेला तो हम बच्चों को नहीं ही अच्छा लगता होगा, तो इसे तो हम बिल्कुल ही नहीं खा सकते, तो इसीलिए हम इसे यहाँ चिन्ह निशान लगाए बिल्कुल ही नहीं खाएंगे इस खाने में। इसके बाद है बच्चों दिया लौकी। तो ये हमें न बहुत पसंद है और न बहुत ही अच्छा लगता है, ये हमें बहुत पसंद नहीं है, इसे हम हल्का खा लेंगे, खाना पड़ेगा, तो इसे हम बीच वाले में यहाँ निशान लगाया। इसके बाद है आलू। तो आलू हम सभी बच्चे को पसंद होता है, इसे तो हम मज़े से खाएंगे, तो हमने इसमें चिन्ह लगाया कि मज़े से खाएंगे। इसके बाद है आम। तो आम भी हम सभी को अच्छा लगता है, इसे तो हम मज़े से खाएंगे, तो इसे भी हमने इसमें निशान लगाया। तो ठीक है बच्चों, यह प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे।